ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए। पर ये क्या है पापा जी? तुम खुद ही खोल के देख लो। आज से तुम गोयल ज्वेलर्स की ज्वेलरी डिजाइनर हो। क्लाइंट्स को तुम्हारे सारे डिजाइन्स बहुत पसंद आए। सच पापा जी, ये तो हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है। बेटा, तुमने आज गोयल ज्वेलर्स की साख रख ली। कल उनके बॉस लंदन से आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी कंपनी की प्रेजेंटेशन तुम ही दो। पापा जी, ये सब निहार जी के बदौलत ही हुआ है। उन्होंने ही मुझे सब सिखाया था। बकवास। तुम इस बिजनेस का हिस्सा मैं तुम्हें हरगिज नहीं बनने दूंगी। कोयल खानदान की जायदाद में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। बस कीजिए पूनम। रुचिता बेटा, आप कल की तैयारी में लग जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि कल का प्रेजेंटेशन तुम बहुत अच्छी तरह से कर पाओगी। अब बहुत हो गया। मैं रुचिता को किसी भी चीज में कामयाब नहीं होने दूंगी। उसे किसी काम के लायक नहीं छोड़ूंगी। और तभी हमारा उद्देश्य लोगों को बेस्ट देकर उन्हें दिल से खुश करना है। और शायद तभी हम आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। कैसी लगी प्रेजेंटेशन? अमेजिंग, एकदम सीटी मार प्रेजेंटेशन थी तुम्हारी। अगर मैं क्लाइंट होता ना तो डील तुम्हारी होती। बस आज ये प्रेजेंटेशन अच्छे से हो जाए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है निहार जी। घबराहट हो रही है तुम्हें? फोन लो। अब इसमें ईयरफोन्स लगाओ। अपने कानों में लगाओ। अब अपना फेवरेट गाना लगाओ, खुद भी सुनो और मुझे भी सुनाओ। चलो चलो जल्दी करो। ये तो मेरा भी फेवरेट है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। मेरे बेटे की मौत पर कैसे खुशियां मना रही है, नाच रही है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। रुचिता, शर्म हया बची है या नहीं? ऐसे नाच कैसे सकती हो? वो प्रेजेंटेशन को लेकर थोड़ी घबराहट हो रही थी, इसलिए मन को शांत कर रही थी। प्रेजेंटेशन की ही टेंशन थी या मेरे बेटे की मौत की खुशी में नाच रही थी तुम? नहीं, ऐसा नहीं है। बस प्रेजेंटेशन की टेंशन है ना, तो ये दवाई खा लो जो तुम कल खाना भूल गई थी।
देखो मैं भी नहीं चाहती हूँ कि प्रेजेंटेशन में कोई भी गड़बड़। आखिर ये हमारे घर के बिजनेस का सवाल है। मैं चाहती हूँ तुम अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन दो, और देखना कल जब तुम प्रेजेंटेशन दोगी तो ऐसा प्रेजेंटेशन होगा कि क्लाइंट तुम्हें कभी भूल नहीं पाएगा। मैं अभी खा लेती हूँ। अब आराम से प्रेजेंटेशन की तैयारी करो। यह है मेरे बॉस मिस्टर सक्सेना, खास इस मीटिंग के लिए लंदन से आए हैं। वेलकम टू इंडिया। प्लेजर मीटिंग यू सर। आपके भेजे हुए सैंपल हमने देखे, बहुत ही अलग और सुंदर थे, इसलिए इस प्रेजेंटेशन का हमें बेसब्री से इंतजार था। सर प्लीज बैठिए ना। आई बेटी। थैंक यू। क्या हुआ रुचिता बेटा, हमारी तबीयत तो ठीक है ना? जी मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं पानी पी लेती हूँ। क्या? सॉरी। ये सब क्या किया रुचिता जी आपने? सॉरी सर। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम बाद में आ जाते हैं। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, प्रेजेंटेशन शुरू कर। I'm sorry. अब आएगा असली मजा। गोयल ज्वेलर्स की ये परंपरा पिछले 30 साल से चलती आ रही है। इन 30 सालों में हमने बहुत सी बुलंदियों को छुआ है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जैसे कि कम ऑन रुचिता, तुम कर सकती हो। कमॉन बोलो रुचिता। जैसे कि वो वाले प्रोजेक्ट्स, वो जिसमें हमने जोधपुर में वो वाले अब नो रुचिता ये कहना चाहती है, हमने सिंगापुर और जोधपुर की पार्टी के लिए जो प्रोजेक्ट बनाए थे वो काफी सफल रहे, है ना बेटा? हाँ। जो ये प्रेजेंटेशन दे रही है उन्हीं को ये सब ज्ञान नहीं है। सर मैं आपको डिजाइन्स दिखाती हूँ। बंद करो रुचिता, म्यूजिक बंद करो। ये सब क्या है नरेश जी? मेरे बॉस खास करके इस प्रेजेंटेशन के लिए लंदन से आए हैं और आप ये सब करके उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर सक्सेना, शायद रुचिता की तबीयत ठीक नहीं है तो आप रुकिए, मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, जिनको काम की कोई कदर नहीं है हम उनके साथ डील नहीं करते।
The deal is cancel Mr. Naresh Goyal. चलिए यहां से। रुचिता के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, वरना ये मेरे पूरे घर को बर्बाद कर देती। क्या इतनी बड़ी डील रुचिता की वजह से हाथ से निकल गई? हाँ मां, हमारी इतनी बेइज्जती आज तक नहीं हुई है जितनी आज रुचिता की वजह से हुई है। रुचिता, आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ था? कल तो बड़ा बोल रही थी कि निहार का प्रोजेक्ट है, हम इसे हाथ से नहीं जाने देंगे, फिर आज खुद ही सब कुछ बर्बाद कर लिया। I'm sorry, पापा, पता नहीं मुझे क्या हो, ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, घबराहट के मारे कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन अगली बार ध्यान रहे कि ऐसी भूल ना हो। बस देखते जाइए, ऐसी भूल अब हर रोज होगी। पापा जी ने कहा है कि छोटे हीरो को और बड़े हीरो को अलग अलग करना। तो ये वाला इसमें रखती हूँ। रुचिता, ये लो दवाई खा लो। नहीं माँ, मैं ये दवाई नहीं खाऊंगी, मुझे ये सूट नहीं कर रहा है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगी, मैं जूस पी लूंगी। मैं भी हार नहीं मानने वाली, दवाई तो इसे खिलाकर ही रहूंगी। ये लो तुम्हारा जूस। थैंक यू मां। पी लो। रुचिता, ये तुम क्या कर रही हो? ये एक एक हीरा लाखों रुपए का है, ये किस तरह से खिलवाड़ कर रही हो तुम इससे? क्या हुआ तुम्हें? सॉरी पापा जी, मैं अभी उठा रही हूँ। उठाओ 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 जल्दी। रूही, इसे यहाँ लिखो, इसको थोड़ा छोटा। मैडम, आपके लिए कस्टर्ड। मम्मी, आपके लिए कस्टर्ड आ गया। आप दोनों खा लो। नहीं मम्मी, आप खाओ, हम होमवर्क करने के बाद खा लेंगे। थोड़ा भी नहीं खाओगे? नहीं मम्मी, आप खा लो। मम्मी, हमने होमवर्क फिनिश कर दिया। मम्मी,
डांटेगी। मम्मी आपने क्या किया, हम टीचर को क्या दिखाएंगे? रुचिता, ये क्या कर रही हो तुम? नमक का पूरा डब्बा डाल दिया तुमने इसमें। निहार जी, बदमाशी नहीं, वरना मैं भी पानी डाल दी थी। अच्छा, तो फिर इंतजार किस बात का? निहार जी, यहां भी नहीं दिखाई दे रहा है। कहां चला गया पिंकू, दिखाई नहीं दे रहा। मां, मां पिंकू कहां है? उसकी टीचर का फोन आया था। पता नहीं, मैं भी देख रही हूं, यहां तो कहीं है। दादू बचाओ, कोई है, बचाओ। ये तो पिंकू की आवाज। पिंकू, क्या हुआ? ये पिंकू क्यों चिल्ला रहा है? प्रतीक, प्रतीक, पिंकू, आवाज कहां से आ रही है? पिंकू, पिंकू, दादी इधर ऊपर। पिंकू, पिंकू, रुको रुको, हम ऊपर आ रहे हैं, रुको। अरे दादी, वो रुचिता आंटी ने मेरे को देखा था, लेकिन उन्होंने हेल्प ही नहीं की। मैंने कितना चिल्लाया, मुझे देखकर चली गई। सब कुछ तो बर्बाद कर दिया, बचा क्या है इस घर में रुचिता? मैं कह रही, एक एक करके सारे मर्दों को खा जाएगी ये। बस हम ही दोनों को ये बख्शेगी माँ जी, और फिर हमसे भी नौकरों के काम करवाएगी ये। पापा, आज रुचिता की वजह से पिंकू की जान जा सकती थी, तो मुझे भी लगने लगा है कि घर के हादसों के पीछे रुचिता ही जिम्मेदार है। नहीं भैया, ऐसा नहीं। मैंने पिंकू को देखा था, लेकिन लेकिन फिर मैं भूल गई।
पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखा आपने, घर की बहू का घर और ऑफिस संभालने का नतीजा। ना इसे घर की कोई खबर है और ना ही बाहर का कोई होश। और दीजिए, ऑफिस की जिम्मेदारी। पिछले एक महीने से मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले मुझे लगा था कि दवाई का असर है, पर अब तो मैंने दवाई लेना भी छोड़ दिया। फिर ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे पता लगाना ही होगा। I'm really sorry. दूर रहो मुझसे, आप बहुत गंदी हो। पिंकू, आई एम सॉरी, मुझे सच में याद नहीं आ रहा। पता नहीं, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा। रुचिता, ये सब क्या हो रहा है? बेटा खुद को संभालो, यार की कमी हम सबको महसूस हो रही है, लेकिन तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, इस तकलीफ से उभरना होगा बेटा, इस तकलीफ को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना होगा, वरना जिंदगी ऐसे कैसे चलेगी बेटा। बेटा रूही जूही के बारे में भी तो सोचो। आपसे वादा किया था खाटू जी कि चाहे जो हो जाए मैं अपने परिवार की खुशियां वापस लेकर आऊंगी, लेकिन मैं कामयाब नहीं होगा। कोई तो रास्ता दिखाइए खाटू जी, प्लीज। पिछले एक महीने से मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले मुझे लगा था कि दवाई का असर है, पर अब तो मैंने दवाई लेना भी छोड़ दिया। सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे पता लगाना ही होगा। दवाई में कुछ तो था। आपसे वादा किया था खाटू जी कि चाहे जो हो जाए मैं अपने परिवार की खुशियां वापस लेकर आऊंगी, लेकिन मैं कामयाब नहीं होगा। खाटू जी प्लीज मेरी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए खाटू जी प्लीज। आपसे वादा किया था खाटू जी कि चाहे जो हो जाए मैं अपने परिवार की खुशियां वापस लेकर आऊंगी, लेकिन मैं कामयाब नहीं होगा। खाटू जी प्लीज मेरी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए खाटू जी प्लीज।